बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है ये कहने की कि हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रचित पंगाल। बट मेरे भाई ने अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका दिखाया, सिखाया, तो उस हिसाब से आज ज़रूर कहूँगा आप लोगों को हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रचित पंगाल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। क्यों? क्योंकि भाई कई लोगों के लिए मैं आइडियल हूँ उनका, कई लोगों के लिए उनके बेटे जैसा हूँ, तो उनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई है। इस वजह से मुझे वीडियोस भी डालनी पड़ेंगी और डालूँगा मैं आज की। वैसे तो मेरा पूरा चैनल और मेरी पूरी लाइफ डेडिकेटेड मेरे भाई के ऊपर है थोर, बट आज मैं इस वीडियो में उसके जो उसके फिजिकल बॉडी की जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर था, वो उसकी जो आखिरी दिन थे हमारे साथ, मेरे साथ तो नहीं थे भाई, मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था कि मैं उसके साथ रह पाऊँ, बट मेरी मम्मी पापा और मानू, मतलब उसके मम्मी पापा और उसकी बहन और उसकी आंटी अंकल उसके साथ थे लास्ट टाइम में। कुछ चीज़ें या कुछ वीडियोस जो बनी थी मैं और उसमें वो डालूँगा इस वजह से क्योंकि भाई वो मेरे भाई की आखिरी यादें हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, हम सब उसे देखते हैं, हर पल रोते हैं भाई, हर पल। उसने पता नहीं कितने घरों में रोटवाइलर ला के रखे हैं, उसकी वजह से कितने घरों में डॉग्स आए हैं, तो बहुत लोगों की अच्छी दुआएं उसके साथ जुड़ी हुई है। बट एक बात मैं भी, अगर भगवान है तो उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई कोई नहीं, जितनी मुश्किलें हमारे मेरे आगे डालनी आप डालो, टूटू मैं भी नहीं का। पहले मेरी बहन मेरे से छीनी, अब मेरा भाई छीन लिया, पर कोई नहीं, खड़े हैं और खड़ा रहूँगा और देखना आखिर तक जाके कौन जीतता है, ये भी मेरी गारंटी है। आप सब लोग, भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे से बड़े जो हैं, मेरे से छोटे हैं, एक बात सीखियो भाई, टूटना नहीं है कभी भी नहीं टूटना, आगे चलते रहना है। और मेरा भाई थोर हमेशा मेरे साथ है, उससे बहुत चीज़ें मैंने सीखी है और उसने मेरा नाम बनाया, उसने मेरे, कौन जानता था नहीं मेरे को, और आज इतनी दुनिया रिस्पेक्ट करती है मेरे मम्मी पापा की, इतने लोग मुझे चाहते हैं, जानते हैं, वो इस वजह से जानते हैं भाई। और हमारे लिए जो कहते हैं ना कि ये है वो है, पर मेरे लिए मेरा भगवान ये है, मेरा भाई है, इसने मेरे को सब कुछ दिया है, इसकी वजह से आज मैं लंदन में बैठा हूँ, तो इसके एहसान तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता कभी भी। और बस कुछ भी, कोई भी शब्द है नहीं, मेरे भाई की तारीफ जितनी करो उतनी कम है। इसने कईयों के घर चलाए हैं भाई, बहुतों के घर चलाए हैं, और घर जिनको चलाने का मतलब कि कोई बंदा बाहर पूरे स्ट्रेस में आता है और वो आके घर थोर को देखता है वीडियोस में और वो खुश हो जाता है, तो वो घर चलाना ही हुआ, उसका दिन आगे अच्छा जाएगा। कितनों के घरों में डॉग्स आए हैं थोर को देख के कि हाँ भाई रॉटवाइलर ऐसे डॉग्स भी होते हैं, हमें ऐसा ही चाहिए। कितने लोगों ने सोर्स ऑफ इनकम हुआ है इसकी वजह से, बहुत लोगों के घर चले हैं, तो ये भाई कोई छोटी चीज़ नहीं थी, मेरा भाई बहुत तगड़ी चीज़ थी और है आज भी, और आगे भी इसका नाम चलेगा, हमेशा इतिहास में लिखा गया है मेरे भाई का नाम। तो भाई थोड़ी सी जल्दी चला गया तू, बाकी तेरे से कोई गिले शिकवे नहीं है, तूने बहुत दिया है भाई, बहुत दिया है। और मानो एक मेरे से बोली आज कि भाई मैं कैसे फेस करूँगी दुनिया को, कि भाई मैं क्या कहूँगी, लोग पूछेंगे, मेरा इवन खुद मन नहीं करता। भाइयों, जितने लोगों ने, मेरे दोस्त, जितने परिवार वालों, जितनों ने मेरे को फ़ोन करा और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं उठाया भाई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ मैं क्या बात करूँ, मेरा मन ही नहीं था भाई किसी से बात करने का। और क्या पता आगे भी हो, बट टाइम सब ठीक कर देगा, सो इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया था आप लोगों के या मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, बट कोई नहीं। और माँ थोर लीजेंड था, और लीजेंड ना थोड़े टाइम के लिए आते हैं भाई ये, पर ये बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। सो हिम्मत कर माँ, तेरा एक बेटा है अभी, और सब चीज़ ठीक हो जाएगी।
रही बात भाई वीडियोस की, व्लॉग्स की, वो जरूर आएंगे, क्योंकि भाई मेरी माँ ने कहा है अगर मैं खुश रहूँगा, हंसता खेलता रहूँगा, तभी वो सब सही होंगे। तो जिम्मेवारी बढ़ती है, तो आप लोगों की भी थी, अब माँ पापा और सबकी हैं कि अगर मैं व्लॉग्स बनाऊँगा तभी वो खुश रहेंगे, हंसता खेलता दिखूँगा तो सो वो भी आएंगे, तो बेयर करना। बट हाँ, ये रियलिटी है कि मैं डेली नहीं डाल सकता व्लॉग्स, क्योंकि भाई मुझे करियर सेट करना अपना, यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, इतनी दूर आया हूँ, मेरे भाई के सेक्रीफाइस थे उसकी वजह से यहाँ आया हूँ, मेरे मम्मी पापा के सेक्रीफाइस की वजह से यहाँ आया हूँ। सो मेरी जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ती हैं। यूट्यूब मैंने कभी भी कैरियर की तरह नहीं बनाया, ये मेरा सिर्फ शौक़ था वीडियोज़ बनाना, और ये आगे भी मेंटेन रहेगा। ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता कि मेरे 10 लाख हो जाए सब्सक्राइबर, ना मुझे फ़र्क पड़ता कि भाई मेरे 5 लाख रह जाए, 1 लाख रह जाए, 50,000 हो जाए। ये आप सब लोगों के प्यार के लिए मैंने वीडियोज़ बनाई थी और वो मुझे भरपूर मिला है। सो आगे भी ऐसे ही रहेंगे, और ये वीडियो जो चल रही है अब आगे, तो ये उसकी आखिरी जो यात्रा थी वो दिखा रहे हैं आपको। ये चादर है ना ऊपर वाली, ये निकाल के ये ढक के पहले मैं बेटे को चादर यो काट दे मोटर रुक मानो ये निकाल लेते काट दे वो पकड़ मैं निकाल के बना रहा था मैं कुछ हुआ नहीं खाइयो 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 छोड़ दो छोड़ दो बाय मधु चलो चलो
सारी बाला पड़ा कपड़े ऊपर ना करा भाई साइड होकर दो पैर पूरे ढक दो अगले पैर अगले पैर ये दो मुड़ रहे अगले पैर ही इनको नहीं बहुत है भाई साहब इतना बहुत है फोड़ दूंगा जी जो ऊपर एक दो डड़े नहीं इसका नमक से कवर नहीं है सफिशिएंट है बहुत है पूछ की तरफ है ना ऊपर पटा लो नहीं साइड में वो पीछे रख दे मानो हो जा सुंदर है वहां से ना चढ़ ऊपर तक डाल मन इधर बच्चा आप इधर पहले इधर से दे अब आप थोड़ी साइड में ऊपर चढ़ जाओ अच्छी तरह जान लो दे दे गेंद में मार के क्या तू ये पत्थर की है छुट्टी सुंदर आज इधर बाहर
थोड़ी ऊंचाई करते हैं, माटी सारी ऊंची खा रहे हैं काफी। छह लोग ईट कर लेंगे वहां, कोशिश करिए।